आज हम बात करेंगे कि सियाटिका का जो सिम्टम जनरेट हो रहा है थ्रू द लंबर कैनस्टेनोसिस और पीआरवीडी के थ्रू, तो आप इसको मैनेज कैसे करेंगे? मैनेजमेंट जो होता है दो तरीके से होता है, एक तो होता है मेडिसिनल मैनेजमेंट, एक होता है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है इन सब चीज़ों को मैनेज करने में। जो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं वो अपना मेडिसिन भी देते हैं, विथ एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि आप फिजियोथेरेपी कराओ। तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो हम पेन को सबसाइड करने की पहले कोशिश करते हैं। तो पेन को सबसाइड करने के लिए अल्ट्रासेटनिकोक्सिहैमर जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रिस्क्राइब करता है, देन टिंगलिंग सेंसेशन नमनेस जो होता है उसमें गाबानीरोन एंटी 100 mg का चला देता है बिफोर स्लीप। वो पार्ट है आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन का। मेरा पार्ट जो है फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है, तो हम फिजियोथेरेपी से रिलेटेड वाले पार्ट पर बात करेंगे। हम लोग पहले क्या करते हैं कि पेन को सबसाइड करने के लिए हीटिंग पैड लगाते हैं। हीटिंग पैड से क्या होता है कि जिस एरिया में जैसे आपका L4, L5, S1 रीजन पे कंप्रेस हो रहा है बेसिकली, उस एरिया पे हम हीटिंग पैड लगा के उस एरिया के मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। जैसे मसल्स फ्लेक्सिबल होती है देन आफ्टर हम स्ट्रेचिंग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेचिंग हम देखते हैं कि कौन सा मसल सबसे ज़्यादा टाइट, तो उस वाली मसल्स को रिलीज करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इसमें ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस, हैमस्ट्रिंग और पेरिफोर्मिस मसल्स बहुत ही टाइट होती है, तो उसको हम रिलीज करते हैं। जैसे ही रिलीज करते हैं तो हमारी मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाती है और सियाटिका नर्व का कंप्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। देन आफ्टर हम एक टेंस मशीन होता है जिसको हम ट्रांस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन बोलते हैं, उसको दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो आपका पेन मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, दूसरा हमारा जो सुन्नपन झंझनाहट वगैरह फील होता है तो उसको ठीक करने के लिए भी यूज करते हैं। देन आफ्टर हम करते हैं कि अगर पेशेंट का पेन और टिंगलिंग सेंसेशन नमनेस सबसाइड नहीं होता है तो दूसरा तरीका जैसे एक लंबर बेल्ट सपोर्ट लगा के थोड़ा सा स्टेबलाइज करते हैं उस एरिया को। देन आफ्टर डे बाय डे इंक्रीमेंट के तौर पे हम कपिंग भी यूज करते हैं कि थोड़ा जो हमारा टाइटनेस हो रही है मसल्स को उसको रिलीज करते हैं। उसमें आप डायनेमिक कपिंग, स्टेटिक कपिंग आप यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग फिजियोथेरेपिस्ट अपना डिसाइड करता है कि कैसे इसको मैनेज करना है। तो घर पे हम थोड़ा होम एडवाइस भी बताते हैं कि आगे की तरफ झुकना नहीं है, लंबर बेल्ट लगा के रखना है थोड़ा सा। जब आप अभी स्टार्टिंग के फेज में आपको विग्रस एक्टिविटी नहीं करनी है, ये सब सारी चीज़ें होम एडवाइस के तौर पे हम पेशेंट को बता देते हैं। सुबह शाम 10 मिनट का हीटिंग पैड लगाने को बोलते हैं ताकि थोड़ा मसल्स फ्लेक्सिबल रहे और पेन मैनेज रहे। थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसका प्रॉपर, आपको जो भी डाउट होगा उसका सोल्यूशन हम प्रॉपर वीडियो में बना के डाल देंगे। थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए।